नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। दक्षिण चीन सागर विवाद पर बोले अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस, कहा दक्षिण चीन सागर में फिलहाल सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में मौजूद देशों के विश्वास को ठेस पहुंचाकर अलग थलग पड़ रहा है चीन। अमेरिका में हुआ सर्वे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़े पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, 52% अमेरिकी लोग चाहते हैं एक बार फिर ओबामा बने राष्ट्रपति। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी तनातनी, बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और अमेरिकी पहलवानों पर प्रतिबंध को लेकर तिलमिलाया अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई से अभी तक नहीं किया इनकार। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती, कश्मीर मुद्दा जीवित रखने के लिए गैर कानूनी रूप से सईद को हिरासत में लेने का किया दावा, पाक सरकार ने सईद और उसके 4 सहयोगियों को कर रखा है नजरबंद। अलकायदा प्रमुख उसामा बिन लादेन का पता बताने पर डॉक्टर शकील आफरीदी को चुकानी पड़ी कीमत, पाक सरकार ने डॉक्टर के परिवार को पहचान पत्र देने से किया इनकार, लादेन के मामले में डॉक्टर शकील ने की थी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की मदद। और इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी में नौका पलटी, 19 लोग पानी में डूबे, 7 लोगों के मिले शव, लापता लोगों का तलाशी अभियान जारी। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।